देखिए, इस समय हम बर्मान ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बर्मान में, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल को आवारा छोड़ दिया गया है। ना तो यहाँ पर प्रभारी चिकित्सक हैं, ना ही स्टाफ नर्स हैं, ना ही फार्मासिस्ट हैं, सेक्टर सुपरवाइजर या फिर जो भी हैं यहाँ पर वार्ड वाइज से लेकर स्वीपर तक, यहाँ किसी का भी पता नहीं है। और ये जो सामने दिख रहे हैं, ये लो मोशन के पेशेंट हैं, इन्हें कोई दवाई देने वाला भी नहीं है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरह दवा वितरण कक्ष के सामने सिर्फ दवाइयां रखी हैं कि कोई अपने मन से लेकर इन्हें खा सकता है, लेकिन देने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। ओपीडी का समय दोपहर 9 बजे से 1 बजे तक, मगर ओपीडी कक्ष में आप देख सकते हैं किस तरह लटकाकर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये इनका रजिस्टर है, ये इनका कक्ष है, और यहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। मरीज परेशान होते हैं, भटकते हैं, और अस्पताल से जिम्मेदार कर्मचारी या डॉक्टर्स नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। क्या इसी तरह से मोदी जी का भारत स्वच्छ अभियान, आगे बढ़ो विकास करो, यह सब होगा? आप देख सकते हैं जन्म पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें सुबह 10:30 से 2:30 तक, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कार्यालय में समय ताला लगा हुआ है। देखिए किस तरह से अव्यवस्थाएं चरम सीमा पर हैं यहां पर। हाँ, और यहां पर उपस्थित ना तो किसी स्टाफ का पता है, और देख सकते हैं भारत स्वच्छ अभियान का यह हमारे बर्मान अस्पताल का शौचालय किस तरह से साफ परिपूर्ण दिख सकता है आपको। देखिए यहां पर मौजूद कोई भी स्टाफ में से सभी नदारद रहते हैं, किसी का भी पता नहीं यहां पर। और हम माननीय जिम्मेदार अधिकारियों से गुजारिश करेंगे कि बर्मान अस्पताल से जो भी स्टाफ से यहां पर है उन पर ध्यान दिया जाए। देख सकते हैं आप यहां पर किस समय कोई भी मौजूद नहीं है।